एक चीज कर लेना भाई, प्लीज कृपया करके ना रात में मत आना, क्योंकि यहाँ की इतनी रोड खराब है ये। तो भाई रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं हम भारत के फर्स्ट पेट्रोल पंप से, जो कि बद्रीनाथ में पड़ता है। थोड़ी सी हार्ड लगी मेरे को, पर ईजी भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो भैया लद्दाख में भी हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई। अगर खुद देख लो बद्रीनाथ का हाल, मैं देखना रोड ही गायब होगी भाई आदि। यहाँ तो ये क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, बड़ों को मेरा नाम है छोटू गल्ला, ये सभी वीडियो शुरुआत हो चुकी है। माना वाली वीडियो के बाद ये कंटिन्यू कर रहे हैं। और इन्होंने हेलमेट पहन लिया है और इनके इनकी भी स्टार्टिंग हो गई है। और हम पता है कहाँ जा रहे हैं, हमारी अभी यहाँ से मतलब पहले हम होटल जा रहे हैं, अपने जो बैग्स हैं वो बांधेंगे एंड देन हम निकलने वाले हैं। आज राइड होने वाली है अपनी धारी देवी मंदिर की। तो अब यहाँ से धारी देवी मंदिर कितना दूर है, 190 किलोमीटर की। फिर आगे देखते हैं वहाँ पे पहुँच के, क्या अगर जल्दी पहुँच गए तो आगे निकलने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं स्टे ले रहे हैं श्रीनगर में या जैसे भी है, जैसे भी होता है। मतलब वो तो वहीं माइंड के ऊपर है, अपने दिमाग के ऊपर खेल है, क्या कैसे कब हो जाए पता नहीं है कुछ भी। चलो जी, बुलेट राजा बैठ गए, हम भी अपनी हेलमेट में मिलते हैं। तो अभी मैं बाइक चलाने वाला हूँ डोमिनर और छोटू पे होने वाली है बुलेट। तो अभी मिलते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से निकल गए और यहाँ पे एक और ट्रैफिक देख लो कि यहीं पर रोड पे ऐसी पार्किंग करनी पड़ती है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे जगह ढूंढने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे ना जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपये है और आधा जाम तो इन्होंने लगा रखा है के जो पिट्ठू वाले हैं, और साथ में ये गाड़ी वाले पीछे देख के वहीं पर पीछे पार्किंग लगा लें। नहीं जी, आगे घुसना है, आगे मिलेंगे लड्डू, आगे बटेंगे बट्टू। एक और बाइक वाले तो चलो ठीक भी है कि ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो आसानी से कहीं भी लगा के स्पेस मिल जाएगा। बट गाड़ियों का जब खुद भी दिख रहा है कि हाँ जी गाड़ी गाड़ियाँ लग रही हैं, तो अब देखो ये समझदार है, इन्हें पता था कि बाहर लगा लेते हैं, आते टाइम जल्दी निकल जाएंगे, ये दिमाग टैक्सी वाले लगाते हैं। चलो जी भाई, इजी हुआ मेरे को, पर बुलेट से ज़्यादा इजी लगा कि सीधा का सीधा मैं बड़े आराम से ले गया था उसे। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं मतलब इससे भी इजी रहता, पर ऐसा हुआ ना यहाँ पे पीछे भी बैठा है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी दो भागों में बढ़ जाता है, पीछे भी आगे भी, फिर अपनी बाइक में भी है, तो इस वजह से थोड़ी सी हार्ड लगी मेरे को, पर ईजीली हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो भैया लद्दाख में भी हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब। माना देखने के लिए देख रहे हो, फर्स्ट विलेज में जाने के लिए हाय हाय कितनी भीड़ है। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे भी देखना कितनी भीड़ होगी, क्योंकि देखो ये लाइन ही लगी पड़ी है दुनिया भर की, इसीलिए आर्मी वाले आगे नहीं जाने देते हैं माना पास, इसलिए ज़रूरत पड़ती है SDM के पासिस की, वही बना के देते हैं मतलब SDM जो होता है यहाँ का, तभी जाने का आपको परमिशन मिलती है, अभी तभी जा सकते हो, अदरवाइज़ यहीं रोक दिया जाता है, इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से दिल्ली है 543 और गाज़ियाबाद है 500, यार हो जाएगा 500 बड़े आराम से, यश मैं कह रहा हूँ 500 बड़े आराम से हो जाएगा, 505 ही तो है। चलो जी, हम माना गांव से आगे निकल गए और सिर्फ 3-4 किलोमीटर ही है सिर्फ यहाँ से बद्रीनाथ से, ज़्यादा दूर नहीं है। और रोड देखो कितनी मक्खन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रोड बन गई है प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, बस हाँ थोड़ी सी ट्रैफिक को लेके होगी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो ना तो जल्दी आ जाना, मतलब बद्रीनाथ से यहाँ पर माना गया, और क्योंकि नहीं तो शाम के टाइम आओगे तो पार्किंग की दिक्कत, फिर ट्रैफिक में, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, मतलब लैंडस्लाइड कहेगा मैं आवाज़ अटक ही गया, हाँ तो लैंडस्लाइड हुई पड़ी है ना,
तो उसकी वजह से फिर दूसरी चीज़ ऐसे हो गई कि वहाँ पर रोड इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी पड़ी है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। शायद यहीं से है तो भाई रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं हम भारत के फर्स्ट पेट्रोल पंप से जो कि बद्रीनाथ में पड़ता है। हैं अच्छा ठीक है, मैं वहाँ देख रहा हूँ, मगर ये क्या है ऊपर से डलवाऊंगे इसमें। चलो जी भरवाते हैं पेट्रोल। और यहाँ पे भाई तो भाई यहाँ पे 99 रुपये लीटर है, पता है 94 और उससे और भी कम है आगे हमारे यहाँ तो है। डेंसिटी ये क्या है चल क्या रहा है ये 13,161 डेंसिटी खतरनाक हो रखी है भैया। फुल लो भैया, हमें कार्ड से डलवाना क्योंकि हम कैश खर्च नहीं करना चाहते। फिर एक काम करते हैं, जोशी मठ है वहाँ पे डलवाते हैं, वहाँ सस्ता भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वैसे भी हमारी बाइक जो 150 किलोमीटर चलेगी, यहाँ से 70 किलोमीटर है। तो हम भाई बद्रीनाथ से निकल चुके हैं और बद्रीनाथ के पेट्रोल पंप पे हमें पेट्रोल नहीं मिला था क्योंकि हमें कार्ड से डलवाना था, कैश ख़त्म नहीं करना था क्योंकि अभी ज़्यादा कैश हम पे बचा भी नहीं है। तो वही 1500-2000 रुपये शायद 2000-2500 रुपये पेट्रोल में चले जाते, इस वजह से मैं कहा आगे जो सी मठ में डलवा लेंगे। और भाई एक बार रोड देखो, क्या ही खतरनाक रोड है, हैं बबुआ, ऊपर पहाड़ नीचे रोड नीचे खाई, नहीं ऊपर पहाड़ बीच में रोड नीचे खाई, कहीं देखिए ऐसी रोड बबुआ, नहीं देखी तो ज़्यादा दूर नहीं आना, बस फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया आना है, पहले लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहलाया जाता था, अब फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया हो गया जब से मोदी जी आए। अब देखो जी ऐसा भी है कि और मतलब इससे आगे के जो हैं वो भी तो आते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा सिस्टम, थोड़ा बबुआ हिलवा गया इनका, पर चलो कोई बात नहीं। आज राइड होने वाली है भाई धारी देवी के लिए और टाइम हो गया 4:20, अपना छोटू बबुआ आगे है, हम पीछे 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 दौड़ रहे हैं और व्यू के मज़े मार रहे हैं। ऐसा हुआ था कि हम अपनी मेमोरी कार्ड में से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो धीरे धीरे चल रहे थे ये किसकी मिमिक्री करी मेरे को भी नहीं पता। और भाई हाँ एक और चीज़ सुन लो यार, बहुत 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 बढ़िया बता रहा हूँ मैं, एक चीज़ कर लेना भाई प्लीज़, कृपया करके ना रात में मत आना क्योंकि यहाँ की इतनी रोड ख़राब है, ये इतनी रोड ख़राब है बबुआ हम बता ही नहीं सकते। मतलब रोड का निर्माण चल रहा है, वैसे तो बढ़िया रोड है एकदम परफेक्ट, रोड थोड़ी चौड़ी करी जा रही है क्योंकि देखो भीड़ को देखते हुए तो रोड थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। देखो यहाँ से कटिंग हुई है, अब रोड कितनी यहाँ पर चौड़ी हो गई है, दो गाड़ी बड़ी आराम से निकल जाएंगी, वहाँ पर सिंगल लेन रोड है, कभी कभी बस भी ना इनमें पत्थरों में टकरा जाती है, तो इस वजह से ये कटिंग करके यहाँ पे रोड बनाई जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, बीच में से बहुत सारे पैचेस ख़राब हैं, रात में हवा ख़राब हो जाएगी मतलब। तो रात में कृपा करके ना आए बद्रीनाथ, जल्दी से 4-5 बजे तक आ जाएं, चांद रहता है मस्त, 5:30 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर अगर टाइम हो गया ज़्यादा तो भाई मैं तो वही कहूँगा कि नीचे ही रुक जाना, सच बता रहा हूँ, नीचे कहीं भी ले लेना। और प्लस देखो होटलों के
जो प्राइजेज है वो भाई 6 महीने इनके खोलते हैं, तो भैया ये उसी के हिसाब से आपको बताते हैं बबुआ के भैया 2000 से तो कम नहीं देंगे, ऊपर ऊपर के कितने भी ले लो आप। तो मतलब लेकिन इनमें आपस में रहता है मतलब बद्रीनाथ में कि भैया जिसको भी देना है 2000 से कम में नहीं देना। ओहो जेसीबी भैया देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे रोड छोड़ी हुई रही हूँ, पहले इतनी थी फिर ये अब इतना और काट दिया गया है। तो कहीं कहीं पैचेस बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, और पर कहीं कहीं ऐसे हैं कि पूछो मत, बहुत बेकार। पर अगर फिर मैं एक चीज़ वो भी तो कह रहा हूँ, अगर ये वादियाँ देखनी है ना वो तो दिन में आओ यार, ये इतने प्यारे प्यारे पहाड़ देखने हैं। तो हम लोग को ये थोड़ा सा बना मिला फिर से ख़राब, तो ऐसे है। अब रात में पिंचर हो जाए सो ब्याद है, कहाँ बदलते फिरोगे। ऋषिकेश शमोली, ऋषिकेश 286 है, हरिद्वार 300 है, पता नहीं भैया कितनी खिंचेगी आज, देख लेते हैं। खिंच गई तो खींच देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अभी सबसे पहले जोशीमठ चमोली जहाँ से भी हम निकलेंगे वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि भैया हमें रिफ्यूलिंग करानी है अपनी बाइक की बबुआ की। तो ये देखो यहाँ की पूरी रोडों की कैसी हालत हो रखी है, मतलब यहाँ पे इतना ट्रैफिक भी लग जाता है रोडों की वजह से, अभी ढंग से बनी नहीं है, मतलब बीच बीच के थोड़े थोड़े पैचेस बनाए हुए हैं। तो अभी एकदम से मत आना बद्रीनाथ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना कुछ दिनों में, मतलब ये जो काम है प्रकृति मतलब चल रहा है एकदम से, तो महीना 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये रोड पूरी हो जाएंगी कंप्लीट। तो धीरे धीरे काम चल रहा है, पर जल्दी होने के चांसेस हैं कि हो जाएगा। तो वही है कि थोड़ा सा वेट कर लोगे तो मतलब लाइक बाइक वाइक से आ रहे हो ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ वैसे आने को आ सकते हो, बस रात में मत आना, दिन में तो निकल ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखो ये है, देखो रोड ख़राब है तो मतलब उसी का मतलब समझ जाओ कि आपको ना अगर बाई चांस पंचर हो गया या वो हो गया तो बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ मैं, वही इसी वजह से कि रात को तो पुलिस मत आना। और अगर बात यह है कि आपको लगता है कि भैया रोड की वजह से कि रोड ख़राब है नहीं आना, तो इस वजह से भी देख सकते हो, एक महीना डिले कर सकते हो, क्योंकि मई तो चली रहा है, जून में तुम कर लेना। अरे ये कैसे बैठा है यहाँ पे, तो क्या हो गया। और अपनी बाइक ये कुछ ऐसी यहाँ पे पड़ी है, अरे वो वीडियो कर रहे हैं ना हम, हाँ ना 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 वीडियो एक्सपोर्ट करी ना क्या। तो भाई ये रोड देखो एक बार और ये वादियाँ। और फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो लोग स्पीति वैली जाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही ऐसी रोड मिलती हैं आगे चल के। तो अगर ये वाइब लेनी है और प्लस भगवान भी मिल जाए तो भाई बद्रीनाथ आ जाना, अब तुम खुद ही देख लो और व्यू क्या आ रहा है, रोड कैसी है प्यारी, मतलब इधर की तरफ बन गई है रोड तो यहाँ की अच्छी हो गई है। बाकी तुम व्यू देखो क्या चल रहा है, और अपने आगे अपनी बुलेट भाग रही है आगे आगे एकदम खतरनाक तरीके से। हाय 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 क्या ही रोड है, मजा आ रहा है। अब कहीं और देखी है ऐसी रोड है, देखना बहुत दूर तक ऐसी ही चलती रहेंगी। अभी ये अभी मैं पीछे से बस नहीं देखता हुआ आ रहा था, मज़ा आ रहा था भाई। और अभी टाइम हो गया 5:11, 1 घंटे के आसपास हो गया हमें चले हुए, अभी ये बद्री वैली हमसे क्रॉस नहीं हुई है। आगे का देखना ये क्या है भाई। और यहाँ पे ना कल नहीं, हम कब आए थे यहाँ पे, दो दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, 2 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था इधर ही, यहाँ से चढ़ाई और सीधी मतलब जस्ट चढ़ी तो इसमें कहीं पे जाके इसमें लगी इन पत्थरों में, ट्रेवलर था और भाई साहब आगे से पूरा पिचक गया था। रात हो रही थी, रात का टाइम था, उसने देखा नहीं, उसने सोचा कि सीधी रोड होगी, मुँह जैसे वो आ रखी है ये मतलब चौड़ी ऐसी रोड होगी, और यहाँ सीधा पत्थरों में जाके आए हाय चिपकी। अब देखो यहाँ पे देखो इसी वजह से पुलिस
यहाँ पे ज़्यादा खड़ी हुई है बद्रीनाथ में, क्योंकि कल एक्सीडेंट हुआ था, तो नहीं सॉरी दो दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पर रोड वोड भी बन रही है, तो इसी वजह से देखो आगे लैंडस्लाइड हुई है शायद, आई थिंक तो वही पुलिस ने रोका हुआ है। हाँ ये नहीं थी भाई पहले, और आगे का जो पुल है वो देखो लोहे का बना हुआ है, तो उस पर ना थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, थोड़ी थोड़ी बाइक्स निकलती हैं, तो उसी के हिसाब से छोड़ा जा रहा है। और आगे कौन सी चल रही है, अच्छा क्लासिक चल रही है, ओह नाइस बाइकरी बाइकर्स, ये भी क्लासिक है, मतलब ये रेंटेड क्लासिक है जो ऋषिकेश से मिल जाती हैं, अगर तुम्हें भी मतलब अपना ऐसे शौक पूरा करना है तो कोई ना, तो ऋषिकेश से रेंटेड उठा लो, और भाई साहब बिन बताए घर वालों को आ जाओ कि भैया हम लोग ट्रेन से गए, और यहाँ पे अपना ले मारो। ओ हंटर भी सही चलती है यार, मतलब सही वो हो रही है, लीन लोंडा भी सही लीन कर रहा है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं भगा रहा, पीछे यश को कमर में पेन हो रहा है, प्लस रोड भी इतनी अच्छी नहीं है कि भगाने लायक, फिर साला ब्रेक मारना पड़ता है वही, क्योंकि रोड बन रही है तो यहाँ पर काम प्रगति में है इसी वजह से, बाकी तो कोई और वजह नहीं है, वरना तो प्लेन रोड पे आओ कभी जब बताएंगे हम तुमको, वैसे तो यहाँ भी आ सकते हो अगर यश की पीठ थोड़ी सी ठीक रहे, या थोड़ी सी रोड ठीक हो जाए, ऐसी रोड ना आए। पीछे क्या करें, पीछे करें क्या गाइस, कर दूँ क्या हैं, ये डोमिनर के सामने कुछ नहीं है, आगे जितनी भी जा रही हैं बस वही है। अब जैसे मैंने थोड़ी सी तेज करी, यश ने मेरे बता दे इसे, हाँ इसका देखो आगे भगाने से मतलब है, बैग से कोई मतलब नहीं है, और देखो फिर से रोड भाई, अब यश के इतनी वो हो जाती है, इसे बोलते हैं कि इसका बैग गिरेगा, देखो हमारा छोटू अपनी क्लासिक से पीछे कर रहा है, वो अकेला है, अगर मैं भी अकेला होता तो इन्हें लपेटे में ले लेता सभी को, चलो एक एक करके इन्हें लपेटे में लेते हैं, अब कोई बात नहीं साला देखा जाएगा, एक और यश की डांटी सही, और भाई बाल बाल बचे हैं यहाँ पे, ये अर्टिका वाले ने और उल्ली तरफ कर दी यहाँ पे मेरी तरफ ही, और हमारा छोटू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चला रहा है बुलेट को, कैडी करके खींच के, ये मत क्या करो गाइस, ये बीच में जो ये दूध बूध यहाँ पे चढ़ाया होगा फेंक गए रोड पे, कठा लेगा कोई और आके, ये मत क्या करो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना प्लास्टिक से नेचर ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, चलो पत्ते वत्ते हों तो चलो ठीक भी है कि पत्ते थे वो तो खाद बन जाएंगे, बट ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं कि भैया चलो फोकस हो, नहीं से हिमालयन वाले को पीछे और छोड़ा जाए, और भाई मेरे भाई को देखो अकेले कितनी सही क्रूज कर रहा है, उसको मेरी कम से कम 60-65 है, उसकी लगभग 70 होगी, जितना आगे 70-75 जितना आगे है वो, यार ये क्या कर रखा है, अच्छा ओके अलग है, मैं कह रहा एग्जॉस्ट पे पन्नी की लपेट रखी है, वेलकम टू क्या है ये रिजर्व, कौन सी रिजर्व है भाई, श्री विष्णु जी प्रभा बैकुंठ धाम संगम द्वार नंदा देवी, आगे पढ़ ही नहीं पाया भाई, आए हाय क्या ही व्यू, अरे यहाँ तो पुल था भाई ये, अच्छा ओके पुराना हो गया था पीछे हटा दिया गया, और ये नया पुल, और यहाँ पे ना हम गाड़ी से रुके थे यहाँ पे इसी रोड पे, और सूरज देवता दिख गए भाई, नहीं तो वहाँ तो ऐसा हो गया था बस सनसेट हो गया यार, मैं कहा इतनी जल्दी आज कैसे हो गया, क्योंकि 6 बजे के आसपास तक तो दिन ही रहता है, और मेरा वाइजर वैसे भी ब्लू वाला है तो उसकी वजह से उड़ ज़्यादा दिख रहा होगा, हाँ जी छोटू ये रही भैया अपनी 16-17, ये भी भैया कमाल कर रही है, मस्त
पीछे मतलब बैठा एक जना और पीछे बैग और दौड़ाते रहो। यहाँ पे रोकी थी हमने अपनी गाड़ी, यहाँ रोकी थी अपने हमने गाड़ी अपनी इसके नीचे गाड़ी गाड़ी अरे जब ओली आए थे भूल जाता हमारा शेर। देखो कितनी तेज लगे गया अपना चीता आगे लैंडस्लाइड है भाई, रोड रोड गायब हो गई है आधी यहाँ से और भाई साहब पीछे हॉर्न दे, ये ज्यादा पीछे ना कर दे कभी भाई साहब। ये तो स्प्लेंडर से ही आ गए दोनों जाने, सही है भाई यहीं के लग रहे हैं आसपास के कहीं। देखना रोड ही गायब होगी भाई आधी यहाँ तो ये क्या है, इसीलिए कह रहा था मैं बद्रीनाथ थोड़ा सा दिन में ही आना ध्यान से, ये रोड ही गायब हो गई। ओए होए खड्डा रोड नहीं तो इतनी चौड़ी है, आधी रोड ही गायब थी बस सिंगल लेन रह गई है भाई। होता है कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाती है चुपचाप और पता भी नहीं देती है, और आगे भी हुई है शायद, यहाँ भी जेसीबी खड़ी है, नहीं यहाँ नहीं हुई, ये सिर्फ काम करने के लिए आई है तो इस वजह से यहाँ पर खड़ी कर दी है। चलो बस यहाँ से नीचे वैली से निकल जाएं और फिर से सनसेट हो गया, क्योंकि भैया इतना मोटा पहाड़ नहीं सॉरी इतना बड़ा पहाड़ भाई। एक बार खुद देख लो बद्रीनाथ का हाल, मैं एक बार खुद देख लो बद्रीनाथ का हाल व्लॉग। अच्छा मैं इतना बोल ही गया था कि तू व्लॉगर भी है भाई किलोमीटर का जाम लगा पड़ा है, मैं तो ये कहता हूँ भाई 2-4 दिन 10-15 दिन मतलब बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि ऐसा है कि जोशी मठ में ना सिंगल लेन रोड है, अब यहाँ पे बसेस भी चलती हैं ट्रेवलर भी चलते हैं और टैक्सीज भी चलती हैं भाई, आओ सब लेकिन टाइम ले जाओ। हाँ मतलब घर जाओ वो बात अच्छी बात है लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना पूरा पूरा एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पे खुद देख लो कितना बुरा हाल है भैया ट्रैफिक को लेके। अब बाइक है हमारी तो हम इजीली निकाल पा रहे हैं, आप खुद देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है। देख रहे हो भाई वहाँ वहाँ तक किलोमीटर के जाम, अरे भाई साहब पीछे 2-3 किलोमीटर का था आगे ये भी जाम है, तो पूरा जोशीमठ ना ट्रैफिक की चपेट में, बिल्कुल मत आना भाई मैं तो यही कह रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा क्या, ये कहाँ हमारा छोटू, छोटू कहाँ है, हैं ठीक है पीछे रुक गया। चलो भाई हमने दबा दी, अदरवाइज तो भाई बुरा हाल है, पुलिस खुद लेके गाड़ी घूम रही है कहीं भी उन्हें भी जगह नहीं मिल रही है। सही है फिर तो, अब भाई साहब खड़े रहो यहाँ घंटे तक, प्रैंक सा हो गया भाई हमारे साथ तो, हम तो सोच रहे थे वो आए कर रहा बस में से तुझे मैंने देखा ना, मैंने कहा हमने सोचा जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, यहाँ तो भाई साहब हाल बेहाल है भाई साहब, सिस्टम हैंगे कतई।
तो भाई हम आ चुके हैं मतलब कम से कम 60 किलोमीटर आगे जोशीमठ से। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, वीडियो ऐसी हो गई कि बनाऊँ क्या बनाऊँ, मतलब पहले जल्दी से खाना खा लूँ क्योंकि आज हमने पूरे दिन में बहुत थोड़ा खाना खाया है, ज़्यादा थोड़ी नहीं खाया, कुरकुरे चिप्स में उसी में पेट भर गया। सुबह ब्रेड पकौड़े खाए थे दो, बस ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा खाए नहीं, आज ध्यान ही नहीं रहा खाना क्योंकि ट्रैक करके आए फिर यहाँ के लिए निकल दिए, ऐसे हो गया भाई बस। तो अभी बस खाना वाना लग गया, ये दोनों तीनों खा रहे हैं, दोनों तीनों क्या, मैं तीनों ही खा रहे हैं।